अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैनेजीरियल अकाउंटिंग में टॉपिक है हमारा रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज़, यूनिट रिस्पांसिबिलिटी या मैनेजीरियल रिस्पांसिबिलिटी पे बात करेंगे कि जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या मैनेजर्स को रिस्पांसिबल कर देते हैं, बजटरी टर्म्स पर रिस्पांसिबल कर देते हैं, कॉस्ट सेंटर की बेसिस पर रिस्पांसिबल कर देते हैं, प्रॉफिट सेंटर की बेसिस पर, तो हर एक मैनेजर को, डिपार्टमेंट हेड को अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ को या ड्यूटीज़ को, अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटीज़ या रिस्पांसिबिलिटीज़ को फाइनलाइज करना होता है, फुलफ़िल करना होता है। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टास्क दे दिए जाते हैं, पैकेजेस असाइन कर दिए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट उस टास्क को फुलफिल करने, उस टास्क को एकम्प्लिश करने में रिस्पांसिबल हो, तो इसे आप कहेंगे रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या कास्ट यूनिट्स या कास्ट सेंटर्स रिपोर्टिंग के रिस्पांसिबल हों, अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग के रिस्पांसिबल हों, अपने बजट्स की रिपोर्टिंग के रिस्पांसिबल हों, अपने प्रॉफिट की रिपोर्टिंग के रिस्पांसिबल हों, तो आप इसे कहेंगे कि हम रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग है। यहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन पे आप बात करेंगे कि किस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ को अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए अकम्प्लिश करेंगे या फुलफिल करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग? द टर्म रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग रेफर्स टू एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट कलेक्ट्स, समराइजेज एंड रिपोर्ट अकाउंटिंग डेटा रिलेटिंग टू द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स। इंडिविजुअल मैनेजर्स जो रिस्पांसिबल होते हैं अपने डेटा को प्रोसीड करने के लिए, अपने डेटा को समराइज करने के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने में, तो इसे आप रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग कहेंगे। यानी रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ ये सिस्टम आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समराइज करना, यानी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कॉस्ट स्टेटमेंट्स में आपको ट्रांसफ़र या प्रोसीड करके देगा ये सिस्टम। और इसी तरह ये सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है कि किस तरह हर एक डिपार्टमेंट अपने कॉस्ट सेंटर्स को, अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ को, अपने असाइन टास्क को रिपोर्ट करेगा। तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिपार्टमेंटल लेवल पर, डिपार्टमेंट या सेंटर्स लेवल पर, कॉस्ट सेंटर की बेसिस पर रिपोर्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है। यानी जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ते हैं तो ये रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग का एरिया है, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग का की सब डिवीजन है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो हम रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग को डिपार्टमेंटलाइजेशन से लिंक कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? द रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट ईच मैनेजर ऑन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आइटम्स ओवर विच दैट मैनेजर हैज़ प्राइमरी कंट्रोल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस। रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग हर एक मैनेजर की रिपोर्टिंग कर रहा होता है, हर एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग करता है ये सिस्टम, कि एक मैनेजर को जो असाइंड बजट दिए गए, जो असाइंड कॉस्ट दी गई, जो असाइंड फैक्टर हेड दी गई या ओवरहेड कॉस्ट दी गई, उसको उसने कितने परसेंट या किस परसेंटेज की बेसिस पर आपको फुलफिल करके दिया, कंप्लीट करके दिया, या अचीवमेंट रेशो क्या रही। जब मैं हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो अगर मैं डिपार्टमेंट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स को या सेंटर्स को उनकी रिस्पांसिबिलिटी के बेसिस पर एनालाइज करूं, इवेल्युएट करूं अगर, तो ये होगा रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। हर एक डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्टिंग करता है, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी, जैसे आपने जॉब ऑर्डर कास्टिंग पढ़ी, डिपार्टमेंटलाइजेशन को आपने सीखा, स्टैंडर्डाइजेशन आपने सीखी, आइडल कैपेसिटी या आपके पास वेरियंस एनालिसिस, ये वो एरियाज़ हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की
जो रिजल्ट्स होते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो आउटपुट या अचीवमेंट्स होती हैं, टारगेट अचीवमेंट्स होती हैं, इनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं ये एरियाज़, इनको पब्लिक कर रहे होते हैं या पब्लिश कर रहे होते हैं ये एरियाज़। जब मैं इन एरियाज़ को, इन सेंटर्स को, इन कॉस्ट एलिमेंट्स को एनालाइज करूँ या इवेलिएट करूँ, तो मैं इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहूँगा। तो हमने कहा कि हर एक मैनेजर की रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशंस को जब आप इवेलिएट कर रहे होते हो, यहाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट कंटेन्स दोज आइटम्स कंट्रोलेबल बाय रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग उन कास्ट सेंटर्स को या यूनिट्स को रिपोर्ट करता है जिनके हर एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कास्ट मैनेजर, ओवरहेड मैनेजर, मटेरियल मैनेजर है, या आपका फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन ऑपरेशन हो गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया, जो भी डिपार्टमेंट और उसका मैनेजर जितनी कास्ट का रिस्पॉन्सिबल था, उस कास्ट को आप इवेलिएट करें या रिपोर्ट करें या एनालाइज करें, तो इसे आप क्या कहेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। व्हेन बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट, अकाउंटेंट शुड क्लियरली सेपरेट द कैटेगरीज। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोलेबल आइटम इज अ फंडामेंटल टास्क इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। हर एक अकाउंटिंग सेंटर में या एलिमेंट में या कॉस्ट सेंटर में, कास्ट ड्राइवर्स में, जो हम प्रीवियसली एबीसी मेथड में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। जब आप कंट्रोलेबल एलिमेंट्स को एनालाइज करते हो, चाहे वेरिएबल कास्ट हो, चाहे फिक्स कास्ट हो, या सेमी वेरिएबल हो, यानी कैपेसिटी बेसिस पर जब हम कास्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, प्रोजेक्ट्स में या प्रोडक्ट्स पर, तो आप क्या कह रहे होते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब आप हर एक मैनेजर की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग समरीज या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिपोर्ट करें या पब्लिक करें या डिसीजन मेकिंग में एमडी एंड ए में ले आएँ, तो आप कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी मैनेजर्स हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स हों, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हों, उनकी तमाम अथॉरिटीज़, उनके अथॉरिटीज़ का आउटपुट, उनकी अथॉरिटीज़ की इवेल्युएशन अगर आप एनालाइज करें, उनकी बेसिस पर अगर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं, तो आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम ही हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन, कॉस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, बजटिंग, कॉस्ट एलोकेशन या कॉस्ट डिविजन्स, ये आपको, या कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट सेंटर्स, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ही प्रोवाइड कर रही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है ये इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट मेरे पास एक स्लाइड है जहां हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, ग्रीन इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट सेंटर, यहाँ मुझे जितना भी ग्रीन कलर नज़र आ रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इसी तरह आपके पास कम्बिनेशन कलर इंडिकेट मल्टीपल इवेल्युएशन बेसिस, येलो इंडिकेट कॉस्ट सेंटर, ब्लू इंडिकेट्स प्रॉफिट सेंटर्स। अब हर एक, कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू यूनिट होते हैं, जो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लॉस की सिचुएशन भी आ सकती है। कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं, जो जस्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं या कास्ट असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कास्ट यूनिट को असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब असिस्टेंट प्रोवाइड हो रही होती है, तो आप इसे क्या कहते हो कि ये आपके कास्ट सेंटर्स हैं, ये जस्ट इवेल्यूएशन बेसिस पे आएगा, ये प्रॉफिट सेंटर नहीं है। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल या सर्वर रूम है, इंजीनियरिंग रूम है, उसका काम है सर्विसेज देना, उसका काम रेवेन्यू में नहीं है। इसी तरह जो सेल यूनिट है, ये रेवेन्यू में इसका कोर रोल है, कोर एलिमेंट हुआ ये प्रॉफिट अर्निंग में। तो इस तरह क्या किया जाता है, जब आप डिफरेंट यूनिट्स को टैग दे देते हो, डिफरेंट यूनिट्स को आप सेगमेंटेशन उनकी कर लेते हैं, और हर एक सेगमेंट की इवेल्युएशन की जाती है, रिपोर्टिंग की जा रही होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन की बेसिस पर, कॉस्ट सेंटर्स की बेसिस पर, कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस पर, तो इजीली आप हर एक डिपार्टमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं।
और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजरियल अकाउंटिंग में, कि हम कंट्रोलिंग कर पाएं रिसोर्सेज की। अब देखें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस, और ये है ब्लू इंडिकेट प्रॉफिट सेंटर। ऑपरेशन सेंटर जो होगा, ऑपरेशंस जो होगा, ये प्रॉफिट सेंटर होगा। अब आपको ऑपरेशंस को, प्रॉफिट सेंटर को कंट्रोल करना होगा। जब यहाँ कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी तो एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे, तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, ये कॉस्ट सेंटर है, फाइनेंस सेंटर है, जो आपको बजट एलोकेशन में हेल्प आउट करता है, प्लानिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट आपके पास, देखें ये मिक्स्ड कलर है, कम्बिनेशन कलर, इंडिकेट मल्टीपल इवेल्यूशन बेसिस। रियल एस्टेट जो है मल्टीपल, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता है, ठीक है, इसका ग्रीन कलर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी ये है और ये कास्ट सेंटर भी है, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, और इसमें कम्बिनेशन भी आ रही है, दो सेंटर काम कर रहे हैं। आप अपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इस पर प्रॉपर्टी की कास्ट जो है इसको भी आपको कंट्रोल करना होगा। ये डिफरेंट सेंटर्स को आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर ली, हर एक सेंटर को उस बेसिस पे जज किया जाएगा जो उसकी उसका बैकग्राउंड है, उसका उसकी उसका प्रिलिमिनरी, फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेंटर है या ड्राइवर है, उसकी बेसिस पर आप इसे जज करेंगे। इसी तरह देख लें, येलो इंडिकेट्स कॉस्ट सेंटर। अब हम देख लेते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट आपके पास आ रहा है डिशवेयर सुपरवाइजर एंड फूड सुपरवाइजर, ये आपके पास येलो कास्ट सेंटर है, कि जहाँ एक फॉर एग्जांपल दो यूनिट एक यूनिट के अंदर अंडर आ रहे हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में, तो यहाँ आपकी तमाम कास्ट एलोकेशन होती है, कास्ट यूटिलाइजेशन हो रही होती है और यहाँ आपको कास्ट को कंट्रोल करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मटेरियल सेंटर है, ये लेबर सेंटर है और ये ओवरहेड सेंटर है, यहाँ प्रोडक्शन होती है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये एक रेस्टोरेंट हो सकता है, ये एक होटल हो सकता है, कोई भी ऐसी शॉप हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, यहाँ फूड फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो यहाँ आपको कास्ट पे फोकस करना होगा, ये कास्ट सेंटर हुआ। इसी तरह स्टोर मैनेजमेंट है और कैटरिंग मैनेजमेंट, लोकेशन AE एंड लोकेशन 19, ये आपके पास क्या है, ब्लू इंडिकेट प्रॉफिट सेंटर। ये वो एरियाज हैं जहाँ प्रॉफिट मैचिंग हो रही होती है, गैप का मैचिंग प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया जाता है और यहाँ क्लियर रहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, सेंटर प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो जब प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल किया जाएगा तो प्रॉफिट कंट्रोल होगा, और जब प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट सेंटर्स जो हैं यहाँ इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ आप लॉस में जा सकते हैं। देखें, हमने डिवीजन की हुई है डिफरेंट सेक्टर्स को, आप डिफरेंट सेक्टर्स को कार्ड दे देते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को, यूनिट्स को, कास्ट सेंटर्स को, ड्राइवर्स को डिफरेंट कार्ड्स लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, और उसकी बेसिस पर हर एक सेंटर रिपोर्ट करता है, आपस में लिंक्ड होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट्स, इसको हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ब्लॉक, हर एक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, वो जिस एरिया में काम कर रहा है, चाहे वो कास्ट सेंटर है तो वो कास्ट एलोकेशन, कास्ट कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट कंट्रोल, प्रॉफिट अचीवमेंट्स का रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह जो मिक्स्ड है वो इन्वेस्टमेंट और कास्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट सेंटर्स हैं तो प्रॉफिट का ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हमारे पास, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एक स्ट्रक्चर देखा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। अ डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट रिजल्ट इन हाईली डिस्पर्स्ड डिसीजन मेकिंग, एज अ रिजल्ट इट इज इम्पेरेटिव टू मॉनिटर एंड जज द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच मैनेजर। दिस इज इजियर सेड देन डन। Not all units are capable of being evaluated on same basis. Some units do not generate any revenue. They only incur cost in support of some necessary functions. Other units that deliver goods and services have the potential to be assessed on the basis of profit generation. अब सेंटर्स क्या हो गए? सेंटर्स जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कोर एरिया में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यानी अगर एक सेंटर ऐसा है, उसका काम है कि वो जस्ट कंट्रोलिंग, कास्ट कंट्रोलिंग, तो उसका प्रॉफिट में कोई रोल नहीं होगा, उसका काम नहीं है प्रॉफिट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट अचीवमेंट, प्रॉफिट आउटपुट में उसका कोई रोल नहीं होगा।
उसका काम इस यूनिट का होगा जस्ट कॉस्ट कंट्रोल, के कॉस्ट को कंट्रोल करना है। इसी तरह जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट के लिए जाएगा उसका काम होगा कि वो प्रॉफिट अचीवमेंट या आउटपुट अचीवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करे। जैसे सेल यूनिट है, टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको फुलफिल करे। इसको हमने क्या किया, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स को उनकी कोर प्रोफिशेंसीज की बेसिस पर, कोर एफिशिएंसी की बेसिस पर अगर आप डिवाइड कर दें और उनकी डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कंट्रोल हो रही हो, प्रॉफिट को प्रॉफिट में रखें, कास्ट सेंटर को कास्ट सेंटर में रखें, रेवेन्यू सेक्टर्स को रेवेन्यू सेंटर्स में रखें, और इस तरह हर एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर दें, एक डिपार्टमेंट दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या टास्क एलोकेशंस में, टास्क एकम्प्लिशमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना करे, कोई रोल उसका ना हो, कोई कंट्रोलिंग ना हो, तो आप इसे कहेंगे कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्किकल बेसिस पर, हायरार्की पर डिसेंट्रलाइज कर दिया है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम अप या टॉप डाउन, अगर इन आप इस तरह हायरार्की बना लें, आप हॉरिजॉन्टल बेसिस पे भी जा सकते हैं, आप वर्टिकल बेसिस पे भी जा सकते हैं, आप हैलो सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, बट आप अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को डिवाइड करें, कॉस्ट रिस्पांसिबिलिटीज को डिवाइड करें डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सेंटर्स में, दिस इज रिस्पांसिबिलिटी सेंटर। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, कॉस्ट सेंटर क्या होगा? Obvious, most business units incur cost. So this alone doesn't define a cost center. A cost center is perhaps better defined by what is lacking, the absence of revenue, or at least the absence of control over revenue generation. Cost center ka kya kaam hoga? Cost center cost controlling mein, revenue controlling mein, aur बजट एलोकेशन में हेल्प आउट करेगा। यानी ये वो डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा जस्ट कास्ट एलोकेशन। आप हर एक प्रोडक्ट को उसकी कास्ट देंगे, ए बी सी अगर तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, तीन प्रोडक्ट की कास्ट एलोकेट करना इस डिपार्टमेंट का काम होगा। इसके अलावा ये किसी और डिपार्टमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। Examples of the department that are expensive to support and do not directly contribute to the revenue generation are human resource, accounting, legal and other administrative departments. Cost centers are also present on the factory floor, maintenance and engineering fall into this category. Many businesses also consider the actual manufacturing process to be cost center even though the saleable product is produced. The sales responsibility is shouldered by other units. Yani agar koi aisa department hai kisi bhi organization mein जो कास्ट तो इनकर कर रहा है लेकिन उसका कोई भी रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल कहीं नहीं है, इनडायरेक्ट कास्ट इनकर कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आईटी यूनिट है, अगर एक यूनिवर्सिटी है वहाँ टीचर डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट आईटी यूनिट हो सकता है, इनडायरेक्ट गेट कीपर हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इनडायरेक्ट हैं, लेकिन ये कास्ट सेंटर्स हैं। ये कास्ट तो इनकर कर रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी में डायरेक्ट इनका कोई रोल नहीं होता, इनडायरेक्टली इनकी कास्ट इनकर हो रही होती है। अब इन यूनिट्स का काम ये होगा कि आप इनडायरेक्ट जो कास्ट है उसको कंट्रोल करेंगे ताकि लीस्ट मिनिमम कास्ट रहे इस सेंटर की। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी होती है वो कास्ट सेंटर्स में इनडायरेक्ट कास्ट को भी सेंटर दे या उसको कोई रिस्पांसिबिलिटी दे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करे ताकि इस कास्ट की भी एलोकेशन हो सके, बजटिंग हो सके और रिपोर्टिंग हो सके। कि एक आईटी यूनिट का, एक सर्वर रूम का, एक टेक्निकल यूनिट का कितनी कास्ट आप पे पड़ रही है जो आपकी डायरेक्ट कास्ट को इंक्रीज कर रही है या ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को इंक्रीज कर रही है। जब तक आप इस कास्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस कास्ट पे फोकस नहीं करेंगे, यानी कॉस्ट सेंटर्स पे आप फोकस नहीं करेंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन एंड प्रोक्योरमेंट, ये डिस्टर्ब रहेगी। तो इसीलिए हम रिस्पांसिबिलिटी काउंटिंग में हमारे एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो कास्ट सेंटर्स की एलोकेशन करे, कास्ट सेंटर को डिफाइन करे, कास्ट सेंटर की क्लासिफिकेशन करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि हर एक कास्ट सेंटर को रिलेटेड प्रोडक्टिविटी के साथ आप ज़रूर लिंक कर लें और वहाँ क्लियर रहे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट की
डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आईटी की इनडायरेक्ट कॉस्ट या सीएस डिपार्टमेंट की, इंग्लिश डिपार्टमेंट की, फिजिक्स केमिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास काम कर रहे हैं उनके लिए आप देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे हमें कास्ट सेंटर्स कितनी कास्ट एलोकेट कर रहे हैं, कितनी कास्ट हमें असाइन की जा रही है। अब आपको क्लियर रहेगा, रियल परफॉर्मेंस क्लियर होगी। तो ये हमारे पास होते हैं कास्ट सेंटर। इसी तरह लास्ट है प्रॉफिट सेंटर्स क्या होंगे। सम बिजनेस यूनिट्स हैव कंट्रोल ओवर बोथ कास्ट एंड रेवेन्यू एंड आर देयरफॉर इवैल्यूएटेड ऑन देयर प्रॉफिट आउटकम्स। फॉर सच प्रॉफिट सेंटर्स कास्ट ओवर रन्स आर एक्सपेक्टेड इफ दे आर कपल्ड विद commensurate gains in the revenue and profitability. A restaurant chain may evaluate each store at a separate profit centers. The store manager responsible for the store revenue and expenses. A store with more revenue would generate more food cost, and assessment of food cost alone would be foolhardy without giving consideration to the store's revenue. For profit centers, the flexible budget discussed in this chapter are useful evaluative tools. Other techniques include a unit by unit profitability analysis using traditional financial statement ratios. यानी जब आप प्रॉफिट सेंटर्स को देखते हो, आप उन डिपार्टमेंट्स को देखते हो जो डायरेक्ट रेवेन्यू इवेल्यूएशन में, कमेंसरेट गेन्स में या रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जिनका रोल है, जो मैचिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं डिपार्टमेंट्स, जो अल्टीमेट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं फिनिश गुड्स, जहाँ जिन डिपार्टमेंट्स में या असेंबली यूनिट्स में जाके कंप्लीट होता है, तो ये वो एरियाज़ होते हैं, वो सेंटर्स होते हैं जिनको अगर कंट्रोल ना करें तो आपके प्रॉफिट डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि सीजीएस तो कंट्रोलेबल रही लेकिन अदर एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया गया, तो अदर एक्सपेंसेस, कमर्शियल एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी नेट इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट डिस्टर्ब रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जितना कंट्रोलेबल रहे लेकिन आपने कमर्शियल एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया तो नेट प्रॉफिट आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कमर्शियल एक्सपेंसेस पर भी फोकस करना चाहिए, और कमर्शियल एक्सपेंसेस पे जब आप फोकस करेंगे तो आप प्रॉफिट सेंटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जस्ट हमने कॉन्सेप्ट देखा है रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग का, और यहाँ हमने सीखा कि रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग प्रॉफिट सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर्स की बेसिस पर आप एलोकेशन करते हैं। जब आप अपने डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को प्रॉफिट सेंटर्स पर, कॉस्ट ड्राइवर्स पर या कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर दें और इनकी डिवीजन ये हो कि हर एक सेंटर रिस्पांसिबल होगा अपनी असाइंड कास्ट की रिपोर्टिंग में, अपनी असाइंड कास्ट की एलोकेशन में, अपनी असाइंड कास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में या कास्ट कम्बिनेशंस में, तो ये क्या है, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग है।